नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गोग्राफ के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज में आप अकाउंट होल्ड करते हैं और इनकी नई एपीआई जो कि कोटक नियो की एपीआई है उनको यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और कोटक की एपीआई को लेने के बाद आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आप ऑटो ट्रेडिंग भी इसके थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको कि हम ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से कोटक की एपीआई आपको लेनी है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलेंगी और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों कहाँ आना है, कोटक सिक्योरिटीज की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है कोटक सिक्योरिटीज की, उस पर आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है और आपको यहाँ पर नियो ट्रेड एपीआई का एक टैब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अपनी क्लाइंट आईडी डालनी है। यहाँ पर क्लाइंट आईडी डालने के बाद एक फॉर्म आएगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी क्लाइंट आईडी डाली और मैं रजिस्टर पे गया तो ये मुझसे फिर से क्लाइंट आईडी, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है। इस तरह जब हम इनको फिल कर देंगे तो हमारी ईमेल पर हमें एक मेल आ जाएगा जिसमें कि कोटक की सिक्योरिटीज की सारी एपीआई रिटर्न लिखी होंगी, ठीक है। उनको यूज करके हम टोकन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मेरे मेल पर जो इसका आया हुआ है ईमेल। एक चीज और मैं आपको दोस्तों बताऊं कि कोटक सिक्योरिटीज जो है ना वो अलग अलग एपीआई प्रोवाइड करता है। कोटक नियो इनका नया एपीआई है, उससे पहले भी इनका एक एपीआई है जो नॉर्मल है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास कोटक नियो की क्रेडेंशियल्स आई है, जहां पर मेरे को एक यूआरएल मिलता है और यूआरएल के साथ क्लाइंट आईडी और पासवर्ड मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यूआरएल पे क्लिक करना है, तो इस तरीके की एक विंडो खुलेगी। जब ये विंडो खुलती है तो इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। मैं यहाँ पे लॉग आउट करके आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी लॉगिन दिखा रहा था। तो जैसे ही आप साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको अपने मेल में मिला है। मैं यहाँ पर इनको पुट कर रहा हूँ। करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद एक पेज ओपन होगा, ठीक है। ये पेज ओपन हो गया, इसमें आपको एप्लीकेशंस के सेक्शन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, तो जब आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक आपको ये खुला मिलेगा पेज। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्शन कीज पे जाना है, ठीक है। प्रोडक्शन कीज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक की और एक सीक्रेट, कंज्यूमर सीक्रेट लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सीधा जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि इसको आप जनरेट कर सकते हो जनरेट का बटन क्लिक करके। तो आपको जनरेट का बटन यहाँ पे क्लिक करना है। जनरेट का बटन जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक एक्सेस टोकन आएगा, उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ का काम खत्म, ठीक है। इस पर काफी ज्यादा वैलिडिटी है तो ये चलता रहेगा लगातार। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है एल्गो के प्लेटफॉर्म पर। उसके लिए आपको लिखना होगा algocrab.com। जब आप algocrab.com लिखेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, इस पर आपको साइन अप कर लेना, 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। मेरे पास अकाउंट है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ। तो जैसे आप लॉग इन करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है और यहाँ पर आपको कोटक नियो देखे देख रहे होंगे आप। यहाँ पर ऐसे अलग अलग ब्रोकर्स है, किसी भी ब्रोकर का आपके पास अकाउंट हो तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोटक नियो का हम वीडियो बना रहे हैं तो कोटक नियो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, कोटक नियो का जो मोबाइल नंबर है आपका वो डालना है, और आपको पासवर्ड डालना है अपना ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नियो एक्सेस टोकन डालना है, तो यहाँ पर नियो एक्सेस टोकन जो मुझे मिला है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मुझे अपडेट करना है, तो जैसे ही मैं जनरेट टोकन पे क्लिक करूंगा ये एक ओटीपी आएगा हमारे नंबर पे, यहाँ पर ओटीपी डालना है, ठीक है। मोबाइल पर जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। अब ओटीपी आ गया, मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद जैसे हम वेरीफाई ओटीपी करेंगे हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमको वापस हमारे वेबसाइट यहाँ पर वेबसाइट पे लेके आ गया, तो अब हमें टोकन मिल गया। अब हम ऑथेंटिकेशन पे जाके दोबारा से वैलिडेट टोकन करके देख सकते हैं। जैसे हम वैलिडेट टोकन करेंगे आप देख सकते हो एक्सेस टोकन वैलिड लिखा रहा है, तो यानी कि टोकन मिल गया। अब टोकन मिलने का फायदा क्या होता है कि जैसे ही हमें टोकन मिल जाता है और वैलिड टोकन मिल जाता है तो उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, अपने आप हम ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक।
उसके लिए हम क्या करना होगा, उसके लिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या करना है, आपको सीधे यहाँ जाना है ऑप्शन ट्रेडिंग में और यहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी, उस लिस्ट में अलग अलग स्ट्रेटजीज दिखेंगी। यहाँ पर ऑप्शन के लिए स्पेसिफिक हमने ऑप्शन गुरु स्ट्रेटजी बना रखी है, उसके अलावा और भी कोई स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो, सब इंट्राडे या पोजिशन के लिए अलग अलग है। यहाँ पर हमने ऑप्शन गुरु लिखा, उसके बाद हम गए बैंक निफ्टी, हमने सिंबल सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक्सपायरी डालना है। ठीक है, एक्सपायरी का जो भी डेट होता है, जिस भी महीने की जो भी एक्सपायरी होती है वो आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे आज 23 तारीख है तो 23 की एक्सपायरी है तो 23 तारीख डालनी है। यहाँ पर डालना है हमें मंथ फेब्रवरी, और उसके बाद डालना है ईयर। ईयर डालने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी आ रही 25 बैंक निफ्टी की ऑटोमेटिक, आपको बढ़ानी घटानी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऑर्डर टाइप हो गया MIS, क्योंकि ये ऑप्शन गुरु की इंट्राडे स्ट्रेटजी है, उसको हमने करना है स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे दो बटन आ रहे हैं, एक बटन को स्टार्ट कर देना है, इतना ही करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद ट्रेड्स हो जाएंगे अपने आप, आपका ट्रेड होने लगेगा। जैसे ही सिग्नल आएगा ऑप्शन गुरु की स्ट्रेटजी में, आपको ट्रेड यहाँ पर जाने लगेंगे। और आपको अगर सिग्नल्स देखने हैं कौन से हैं, तो आप यहाँ पर अल्गो ट्रेडिंग पे जाके सिग्नल्स के सेक्शन में जा सकते हो, और वहां पर आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी का नाम लिखने से कौन से सिग्नल अभी रनिंग चल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है, मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुकी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, इसलिए अभी ये आपको कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा। रनिंग मार्केट में जब आप देखेंगे तो आपको सिग्नल दिखेंगे। जैसे और कोई स्ट्रेटजी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये स्ट्रेटजी मेरी एक्सपायर्ड है। ये देखिए, जैसे मैंने इंट्रामैक्स पे सिलेक्ट किया तो इंट्रामैक्स पे जो रनिंग सिग्नल्स है वो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिग्नल दिखते हैं जो भी चल रहे होते हैं। तो जब आपका ट्रेड होगा तो वो आपको ऑप्शन ट्रेड हिस्ट्री के सेक्शन में यहाँ पर दिखेगा। जब भी ट्रेड आएगा आपको ऑप्शन ट्रेड हिस्ट्री में दिख जाएगा। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पर्सनल स्ट्रेटजी है जिसको आप चाहते हो कि भाई इंप्लीमेंट करवाना है, और मैं अपनी स्ट्रेटजी से ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू या फिर MT4 पर हम आपको ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं वो बना के दे देंगे, उनको आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको एक ईमेल डालना है हमारी मेल आईडी पर, जो कि है 7tix@gmail.com। वहां पर आपको ईमेल डालना है, उसमें अपनी बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट ESR कंडीशंस लिख के भेजनी है, ईमेल करना है। अगर कोई इंडिकेटर यूज करते तो इंडिकेटर अटैच करके भेजना है, और फिर हम आपको कोटेशन बताएंगे वन टाइम, उसके बाद आप कोड करा सकते हो और कोड करने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।